दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नौकरी क्रंच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हरियाणा, जिसको हर छात्रवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है, उसके लिए नोटिस जारी हो चुका है। उसके फॉर्म 16 सितंबर 2022 यानी आज शुरू होने वाले हैं। जिन भी बच्चों ने कॉलेजेस में एडमिशन लिया हुआ है, हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया हुआ है, जैसे ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई इत्यादि कोर्सेज में जो है एडमिशन लिया हुआ है, वो बच्चे हर छात्रवृत्ति या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाया है। अगर आप लोग भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, कौन कौन स्टूडेंट जो है हर छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया रहेगा, क्या क्या आप लोगों को दस्तावेज लगेंगे जो आपको फॉर्म में अपलोड करने पड़ेंगे और फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। परंतु दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं जब भी बनाता हूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैं इसी तरह की पोस्ट पब्लिश करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी जो है वो दे देता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको हमारी जो वेबसाइट है naukricrunch.com, उस पर जाना होगा। उस पर जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल जो है दी हुई है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप पूरी जानकारी को रीड कर सकते हैं और अप्लाई भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। ऐसे विद्यार्थी जो हरियाणा के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों में उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, वो विद्यार्थी जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एससी या बीसी कैटेगरी से संबंध रखते हों और हरियाणा के निवासी हों, आपके पास हरियाणा निवासी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, हरियाणा निवासी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। और आपकी जो फैमिली आईडी है उसके अंदर आपके परिवार की जो इनकम है वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप अपनी जो इनकम है वो अपनी जो इनकम है फैमिली आईडी में जरूर चेक कर लेना, क्योंकि जो वेरीफाइड इनकम है वही, उसी वेरीफाइड इनकम के हिसाब से ही आपका जो फॉर्म है वो भरा जाएगा। अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर की इनकम है तो आप जो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप आज ही अपनी जो फैमिली आईडी है उसमें पूरी एलिजिबिलिटी जो है चेक कर लीजिए और मैं आपको पूरे दस्तावेज यहाँ पे बता देता हूँ। जो फॉर्म है 16 सितंबर यानी आज शुरू होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए फुल फॉर्म भरने का तो मैं आपको वो फॉर्म भरने का वीडियो भी बना के दे दूंगा, पर उसके लिए मुझे अपनी वीडियो में जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए, तो जिस हिसाब से कमेंट आएंगे उस हिसाब से मैं आपको पूरी डिटेल जो है वीडियो की बना करके बता दूंगा, या फिर आपको कुछ पूछना होगा तो मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कागजात के बारे में जानना है तो फैमिली आईडी आपके पास होनी चाहिए। फैमिली आईडी के अंदर आपने ध्यान रखना है, फैमिली आईडी के अंदर आपके पिताजी का नाम, आपका नाम, आपकी माताजी का नाम, आपकी जन्मतिथि, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही ठीक करवा के रख लें, क्योंकि जब हम फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम पे जो ये डाटा है, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और फैमिली इनकम, वो ऑटोमेटिक जो है आपकी फैमिली आईडी से फैच होकर के फॉर्म में फिल हो जाएगी। उसके बाद आपके पास 10वीं कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए, जो पिछली एजुकेशन आपने की है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। यानी कि अगर आप सेकंड ईयर के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आपके कॉलेज का रोल नंबर होना चाहिए। आपने अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो आपके कॉलेज का रोल नंबर होना चाहिए, सेकंड ईयर में एडमिशन लिया तो आपके कॉलेज का रोल नंबर होना चाहिए और यूनिवर्सिटी का रोल नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, आईडी कार्ड इत्यादि होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है बोनाफाइड स्टूडेंट बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास जो है बैंकिंग
पासबुक होनी चाहिए। वैसे पिछली बार क्या था, पिछली बार जो है आपका बैंक मैप करके बैंक लिंकिंग स्टेटस आप आधार कार्ड की वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं, वो अपलोड करना होता था, क्योंकि आधार पेमेंट मोड के हिसाब से जो पेमेंट है वो आपकी स्कॉलरशिप के आपके अकाउंट में आती है। जिस जो भी बैंक आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है उस बैंक में जो है आपकी पेमेंट आएगी। इनकम सर्टिफिकेट के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप इनकम का सर्टिफिकेट आसानी से बनवा पाओगे अगर आपकी जो फैमिली इनकम है वो वेरीफाइड है। आप आज ही अपनी इनकम जो है वो चेक करा लीजिएगा, अन्यथा आप लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र जो है वो आपके पास जरूर होना चाहिए, नहीं तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं आप लोगों को फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ से क्लिक करके आप जो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नोटिस भी चेक कर सकते हैं, नोटिस पूरा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आप हर छात्रवृत्ति की जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपने अपना फैमिली आईडी का नंबर भरना है। फैमिली आईडी का नंबर भरने के बाद आपने जो है ओटीपी से वेरीफाई कर देना, सेंड करके ओटीपी से वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपका जो डाटा है वो फैच हो करके आपकी फैमिली आईडी के अंदर, आपके जो फॉर्म के अंदर जो फैमिली आईडी में डाटा है वो फैच हो करके फॉर्म में फिल हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम, इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सभी जरूरी जो दस्तावेज हैं वो आपने अपलोड करने हैं, और आपने कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह, कॉलेज का रोल नंबर, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर वगैरह जो है वो आपने फिल कर देना है। उसके बाद आपने अपने फॉर्म को अच्छे से एक बार चेक कर लेना है, फाइनल सबमिट करने से पहले अपने फॉर्म को जो है चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। आपके पास आईडी पासवर्ड आएगा, वो आईडी पासवर्ड आपने नोट करके रख लेना है, और फिर जो है जो प्रिंट है एप्लीकेशन प्रिंट वो आपने प्रिंट करके निकाल के अपने अपने जरूरी दस्तावेज जो उसके साथ लगा करके आपने कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे जमा करा देना है। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट की हार्ड कॉपी को जरूरी दस्तावेज के साथ आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जमा कराना होगा। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे और भी बहुत सारी ध्यान रखने योग्य बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप यहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। परंतु आप लोगों को ध्यान रहे, जिसकी फैमिली की इनकम 2.5 लाख से अधिक है वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप अच्छे से तरीके से जो है अपना जो डाटा है वो चेक कर लेना, उसके बाद ही अपने जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो फिल करना, और समय रहते अपना फॉर्म जो है वो फिल कर लेना। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं जब भी बनाता हूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।